हाय एवरीवन, लेक्चर थ्री में आप लोग देखे होंगे कि अगर जो भी बच्चे देखे होंगे कि यूनिट सेल क्या होता है, लैटिस पॉइंट क्या होता है पढ़ाए थे, और स्पेस लैटिस क्या होता है, क्या पढ़ाए थे, स्पेस लैटिस क्या होता है, ये भी आप लोग देखे होंगे। तो आज हमें पढ़ना है आगे यूनिट सेल के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, तो हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं कि यूनिट सेल के टाइप्स कितने होते हैं। देखिए, यूनिट सेल मेनली टू टाइप्स के होते हैं। ब्लैक पेन कहाँ गया? यूनिट सेल, ठीक है, यूनिट सेल दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल और एक होता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है कि ऐसा यूनिट सेल जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रीवियस वीडियो जो देखे होंगे उनको मालूम होगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किसे बोलते हैं, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं। तो ऐसा यूनिट सेल जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सिर्फ कॉर्नर पे ही प्रेजेंट हो, कहाँ प्रेजेंट हो, कॉर्नर पे ही, उन्हें हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, तो जैसे ऐसा यूनिट सेल जिसका एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल चाहे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक बार में जो सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट हो, ये कॉर्नर हुआ इसका, ये भी कॉर्नर हुआ, सिर्फ इसके क्या है प्रेजेंट है कॉर्नर पे, ठीक है, इनके कॉर्नर हुए। अब सही है, सब कॉर्नर पे। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, जो कॉर्नर के अलावा किसी और जगह पे हो तो उसे हम लोग नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। जैसे अगर कोई यूनिट सेल है ठीक है, ये कॉर्नर पे पड़ जाएगा, कॉर्नर पे तो होना ही चाहिए, इसके अलावा कहीं और भी होंगे तो क्या हो जाएंगे, वो कॉर्नर के अलावा कहीं भी और होंगे तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल हो जाएंगे। जैसे ये कॉर्नर हो गया, ठीक है, अब इसके अलावा अगर बीच में हो जाए, किसी फेस के बीचों बीच हो जाए, ठीक है, कहीं और हो जाए, किसी भी प्लेस पे हो जाए, तो उसे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या कौन सा आता है, एक टाइप सिर्फ होता है, एग्जांपल में इसके सिर्फ इसके एग्जांपल में लिख सकते हो कौन सा, सिंपल क्यूब, सिर्फ सिंपल क्यूब जो सिर्फ कॉर्नर पे होगा इसका एग्जांपल हो जाएगा सिंपल क्यूब। और नॉन प्रिमिटिव्स में होता है ऐसे देखा जाए तो चार ही होता है, लेकिन एक सिलेबस हम लोग कम यूज करते हैं, ये जब यूनिट सेल को दो टाइप्स में बांटोगे और फिर इसके चार एग्जांपल्स होते हैं, लेकिन एक हम लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आपको बता देंगे अभी हम। एक होता है बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर क्यूब, बॉडी सेंटर क्यूब, ठीक है, और दूसरा होता है फेस सेंटर, और तीसरा होता है बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, और तीसरा होता है एंड सेंटर क्यूब। ठीक है, तीन टाइप, इसके तीन एग्जांपल होते हैं, बॉडी सेंटर्स, फेस सेंटर्स और एंड सेंटर्स, और इसके एक होते हैं। ठीक है, अब इन सब का टाइप्स देख लिए और इसको डिफाइन करेंगे कि सिंपल क्यूब किसको बोलते हैं, बॉडी सेंटर क्यूब किसे बोलते हैं, फेस सेंटर क्यूब किसे बोलते हैं और एंड सेंटर क्यूब किसे बोलते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग आराम से देखते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा, और हर एक लेक्चर को लाइन से देखिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग
सिंपल क्यूब वाला, सिंपल क्यूब, बिग सिंपल क्यूब या सिंपल क्यूब, क्यूबिक बोलिए चाहे क्यूब बोलिए, सिंपल क्यूब, सिंपल क्यूबिक में, सॉरी सिंपल क्यूबिक ही लिखिए बेस्ट रहेगा। सिंपल क्यूबिक में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं सिर्फ प्रेजेंट कहाँ होते हैं बताएं, अभी ऊपर एग्जांपल में कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं उसे क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक। ठीक है, तो डिफिनेशन भी सिंपल वही लिखिएगा कि पार्टिकल्स ओनली प्रेजेंट एट कॉर्नर, कॉर्नर्स। ठीक है, उसे हम लोग सिंपल क्यूबिक बोलते हैं। और फिर से एक बार फिगर बना देते हैं कि प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्यूब बनाने तो हर बच्चा को आता होगा, क्यूब बना लेना और इसके कॉर्नर पे पॉइंट दे देना, जो पार्टिकल सिर्फ कहाँ प्रेजेंट हो कॉर्नर पे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग, हाँ, इसमें सिंपल क्यूबिक में कुछ पढ़ना रहता है, क्या बोलते हैं उसको, एटम्स, एटम्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको बताने के लिए तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक आपको बता देते हैं कि इसको याद ही कर लेना बेस्ट रहेगा, क्योंकि बहुत काम आएगा इसमें, पूरे तुम्हारे साल इसका काम आएगा, तो याद कर लेना, कोई मतलब इतना हाथ से नहीं, बहुत ईजी है। जैसे जेड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एटम से, इसको याद रखना कि जेड को एटम से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, अगर ये कितना टोटल कितना कॉर्नर है, एट कॉर्नर है, ऊपर चार नीचे चार, एट कॉर्नर है, और इसको एक कॉर्नर पे जो ये पॉइंट है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जब इस पर हम लोग स्पेस लैटिस बनाएंगे तो ये कितने से डिस्ट्रीब्यूट करेगा ये पॉइंट, तो एट से करेगा। ठीक है, आठ अलग अलग से करेगा, मतलब 1/8 इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लेते कि स्पेस सिंपल क्यूब में एट कॉर्नर होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन बस याद कर लेना कि 1/8 होते हैं। ठीक है, तो जब इसको काटोगे तो 1 आता है, तो एटम कितना हो गया 1 सिंपल क्यूबिक में। ठीक है, और आपको एक जगह हम ट्रिक बता देते हैं, पहले लाइन से कर लेते हैं, ठीक है, फिर आपको बताते हैं इसको याद करने का। जैसे याद करने के फिर आपको बता ही देते हैं अभी कि हम लोग पास सिलेबस में तीन होता है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्स और फेस सेंटर्स, यही तीन होते हैं। ठीक है, तो याद करने का डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग एटम्स को याद करने का ट्रिक बताते हैं, 1, 2 का 4, 1, 2 का 4 मूवी देखे हो ना, तो 1, 2 का 4 सिंपल क्यूबिक में एक एटम्स जो अभी दिखा, बॉडी सेंटर में भी आप लोग जब करिएगा तो देखिएगा 2 एटम्स मिलेगा, और फेस सेंटर में जब आप लोग करिएगा देखिएगा कि 4 एटम्स मिलेगा। तो 1, 2 का 4 ये एटम्स का याद करने का तरीका हो गया। और डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखेगा तो इनके याद करने का, तो इस सिंपल क्यूबिक में 1/8 होता है डिस्ट्रीब्यूशन, बॉडी सेंटर में डिस्ट्रीब्यूशन 1 ही होता है, 1/1 लिख सकते हो क्योंकि इसमें एक से एक ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, और फेस सेंटर में 1/2 मतलब हाफ होता है। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आप लोग इसको डिस्ट्रीब्यूशन अगर याद कर लेंगे और ये निकालना सीख जाओगे, निकालने में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन याद है तो सिर्फ हम लोग क्या रखेंगे, कितना इसमें पॉइंट है उतना पॉइंट लिखेंगे और फिर काट लेंगे। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, सिंपल मैथ है उसका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, सेकेंड है बॉडी, वीडियो लंबा होते जा रहा है, बॉडी सेंटर्स क्यूब, इसका भी डिफिनेशन वैसे ही लिखेंगे हम लोग, क्या, पार्टिकल्स एट कॉर्नर्स एज वेल एज बॉडी सेंटर। ठीक है, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होते ही हैं, कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। आपको बताया है कि नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है कि कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं एटम्स, बताया ना कि कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं जिस तरह प्रिमिटिव यूनिसोल था, लेकिन उसके अलावा कहीं और भी प्रेजेंट हो जाए तो उसे नॉन प्रिमिटिव यूनिसोल बोलते हैं। इसी का ना ये टाइप्स था तीन, तो इसमें भी सिर्फ वही डिफिनेशन होगा कि पार्टिकल्स एट प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज बॉडी सेंटर, जो बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट हो और कॉर्नर पे उसे हम लोग बॉडी सेंटर बोलते हैं। जैसे फिगर में आप लोग देखिए, हर एक फिगर बना के समझाते हैं, वीडियो लंबा उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको समझ में आए ये मेरे तरफ से बेस्ट है। ठीक है, ये कॉर्नर पे हो गया, नीचे भी चार हो गया,
और इसके अलावा अगर बॉडी के सेंटर में हो, मतलब ये सेंटर होता है किसी क्यूब का, तो अगर यहाँ पे हो तो इसको हम लोग बॉडी सेंटर क्यूब बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको फिर एटम्स निकालने के कैसे निकालते हैं, जेड इजकल टू, पहले हम लोग क्या है सिंपल क्यूबिक निकालने वैसे सिंपल क्यूबिक का निकालेंगे, सिंपल क्यूबिक में कितने इसमें कॉर्नर है, 8 है, इनटू डिस्ट्रीब्यूशन कितना सिंपल क्यूबिक का 1/8, ठीक है, और फिर प्लस एक बॉडी सेंटर कितना है 1 है तो 1 इनटू, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताया ना 1/1 तो 1/1। अब इसको सिंपल मैथ से कट कर दीजिए, 1 से 1 गया, 8 से 8 गया, तो कितना आ गया 1 + 1 = 2, तो 2 आया ना, क्या बोल रहे हैं बॉडी सेंटर क्या आता है 2, 2 आ गया। ऐसे हम लोग पढ़ेंगे एन सेंटर का, ठीक है, एन सेंटर का पढ़ लेते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में इस पर ही चर्चा करना है आगे भी, तो नेक्स्ट वीडियो में इसे भी और डिटेल्स हम लोग जाएंगे। अब नेक्स्ट लास्ट टॉपिक बचा है एन सेंटर, एंड सेंटर क्यूबिक, एन सेंटर क्यूबिक, ये हमारे सिलेबस में नहीं मिलता है पढ़ने के लिए, लेकिन है तो बताते हैं। देखिए फिगर बनाएंगे क्यूब का, थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं, ये क्यूब का फिगर हो गया, इसके कॉर्नर पे हम लोग पॉइंट दे देंगे 4 ऊपर और 4 नीचे, ठीक है, थोड़ा फिगर गलत हो गया है, मतलब गलत क्या हुआ है, मतलब फिगर सही है, थोड़ा टेढ़ा वगैरह हो गया है, लेकिन ठीक है समझना है। तो ये एंड सेंटर हो गया, और एंड के सेंटर मतलब एंड मतलब ऊपर फिनिश हो रहा है, उसके सेंटर पे जो पॉइंट होता है, ठीक है, और उसके नीचे जो एंड के सेंटर होता है नीचे और ऊपर, इसे हम लोग एंड सेंटर बोलते हैं, ठीक है, ये एंड सेंटर। एक महत्वपूर्ण बात ये कि फेस सेंटर शायद हम लोग छोड़ दिए, क्या फेस सेंटर हम लोग छोड़ दिए, एक बेसिस, हाँ देखिए यहाँ पे हम लोग सिर्फ सिंपल क्यूब पढ़े हैं और बॉडी सेंटर पढ़े हैं और फेस सेंटर छोड़ दिए, जो हमारे सिलेबस में है जो इम्पॉर्टेंट है उसे हम लोग छोड़ दिए, ठीक है। तो एन सेंटर के बाद हम लोग फेस सेंटर पढ़ लेंगे, तो एंड सेंटर जो सिर्फ बॉडी के एंड के सेंटर में होगा, क्यूब के सेंटर में, ठीक है, एक ऊपर है नीचे। तो इसका भी डेफिनेशन सेम ऐसे लिखेंगे कि पार्टिकल्स एट कॉर्नर एज वेल एज एंड सेंटर, पार्टिकल्स एट कॉर्नर, जो पार्टिकल्स कॉर्नर में हो और एज वेल एज एंड सेंटर पे भी हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं एंड सेंटर क्यूबिक, ठीक है। तो इसका भी अगर हम लोग एटम्स निकालने की बात करेंगे तो कॉर्नर में पहले कितना परसेंट है 8, 1 × 8, और प्लस बॉडी के सेंटर में कितना परसेंट है 2, और इसके भी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है 1/2, ठीक है, इसका भी 1/2 ही होता है, क्योंकि जो भी फेस सेंटर पे होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन 1/2 होता है, पीछे आप लोग देख लीजिएगा, बताएं अभी जस्ट पीछे कि जो भी किसी भी चीज़ का फेस सेंटर में आपको बताया ना कि सेंटर पे जो होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हाफ होता है, तो यहाँ पे भी तो सेंटर पे ही है ऊपर नीचे, तो हाफ हो गया। फिर इसको सिंपल मैथ से कर लेंगे, 2 से 2 गया, 8 से 8 गया, तो इसका भी क्या होता है हमारा 2 हो जाता है, ठीक है। तो एन सेंटर हम लोग को उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं, कितने लोग इसको नहीं पढ़ेंगे आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्या है, फेस सेंटर, इसे हम लोग देखते हैं, फेस सेंटर क्यूबिक, इसका भी डिफिनेशन लिखिएगा कि पार्टिकल्स एट कॉर्नर, सब में देखिए पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट हैं कॉर्नर पे, एज वेल एज फेस सेंटर, मतलब कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे लेकिन फेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट होंगे, जैसे वीडियो लंबा इसलिए हो रहा है लेकिन आप लोग पूरा देखिएगा जो भी देख रहे हैं, क्योंकि फिगर के साथ समझा रहे हैं, ये वीडियो देखने के बाद फिर आपको दोबारा कहीं और वीडियो देखने का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि आपको साथ के साथ नोट्स भी बन जा रहा है और क्लियर भी कराते जा रहे हैं, ठीक है। ये कॉर्नर पे हो गया, ये नीचे का कॉर्नर हो गया, और इसके फेस पे भी, तो एक ये पूरा फेस हो गया और इसके कॉर्नर पे बीचों बीच सेंटर पे, फेस सेंटर
और इसके भी सेंटर पे, इसके भी सेंटर पे, इसके भी सेंटर पे, एक पीछे वाले के सेंटर पे और एक फ्रंट वाले के सेंटर पे। तो टोटल कितने फेस सेंटर हो गए, 1 2 3 4 5 6 फेस सेंटर होता है। तो इसका जब हम लोग एटम्स निकालेंगे तो एक तो कॉर्नर के लिए 8 × 1/8 कर देंगे और प्लस कितने फेस सेंटर है, 6 है। और फेस का सेंटर का डिस्ट्रीब्यूशन बताएं कि 1/2 होता है। अब इसको सिंपल मैथ से करोगे तो ये 3 बार में और ये 8 से दिया तो मतलब हो जाएगा क्या, 1 + 3 = 4। तो देखिए ये 4 आ गया और बॉडी सेंटर क्या था, 2 था और सिंपल क्यूबिक 1 था। तो 1 2 का 4 आ गया कि नहीं, तो ये याद करने का ट्रिक हो गया बस। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके आगे करते हैं, आगे हम लोग का पैकिंग इफिशेंसी वगैरह है, इसको हम लोग देख लेंगे अच्छे से, ठीक है। पूरा NCERT बुक से ही पढ़ा रहे हैं और उसका निचोड़ निकाल के अपने से बता रहे हैं आपको। एक भी टॉपिक, सिंगल टॉपिक आपका नहीं छोड़ेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। बस आप लोग भाई को सपोर्ट करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, पसंद है तो लाइक भी करिएगा और कमेंट्स करना ना भूलें, ठीक है। और जय हिंद, मिलते हैं लास्ट नेक्स्ट वीडियो में।